चलिए दोस्तों, मैं आज मैं आपको बताता हूँ साउथर्न रेलवे हॉस्पिटल प्रधान कार्यालय अस्पताल दक्षिण रेलवे पलमपुर हेड क्वार्टर हॉस्पिटल साउथर्न रेलवे पलमपुर। ये आपका ये मेन एंट्री गेट है। एंट्री क्या है, सामने उस तरफ से रोड आ रही है आपका, इधर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आपका पलमपुर रेलवे स्टेशन है। वहाँ जैसे अंदर आएंगे आपको मेन ये आपका दिखेगा साइन बोर्ड हेड क्वार्टर रेलवे हॉस्पिटल। जस्ट इस तरफ आएंगे तो अंदर आते ही आपको कुछ दूर चलना पड़ेगा तो आपका हॉस्पिटल का मेन गेट आपको दिखेगा। आई मैं दिखाता आपको, चलते जाता हूँ दिखाता आपको कहाँ पर क्या होता है। यहाँ खूब ढेर सारे लगे हुए पेड़ पौधे, क्योंकि जानते हैं दोस्तों यहाँ पर चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अरे मैं जनवरी में हूँ, यहाँ पर बिल्कुल ठंडी नहीं है, नॉर्मल पूरा जैसे आम दिन होता है ना उस टाइप का। गाइस ये आपका है रिजर्वेशन काउंटर, टिकट रिजर्वेशन काउंटर, यहीं पर टिकट आपकी बुकिंग आपकी हो जाएगी। ट्रेन के टिकट की बुकिंग जैसे लिखा हो ना PRSS सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल पलमपुर, आपकी ट्रेन की बुकिंग आपकी यहीं से हो जाएगी। अभी बंद है, सुबह टाइम बंद है, टाइम से खुलता हुआ 10-11 में खुलता हुआ आप ट्रेन का टिकट यहीं से आप बुक कर सकते हैं इस काउंटर से, इसके अंदर से। अगर आप बाहर से आए हुए यात्री हैं तो यहाँ पर आए हुए हैं करने के लिए इलाज, डॉक्टर दिखाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो आपको इस साइड में है। अभी मैं दिखाता आपको, देखिए बाहरी रोगी विभाग OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन करने के लिए नंबर लग जाते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखिए ऊपर लाइन लगे हुए नंबर अंदर में। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं पे होगा, रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, उसी रजिस्ट्रेशन पर्ची से ही आपके हर काम होगा, हर सारा काम होगा। इस साइड में आपका मेन मार्केट है, एक छोटी सी पुलिया आएगी, पुलिया डाक कर आप जा सकते हैं मेन मार्केट में और वहाँ पर रूम ले सकते हैं, रहने के लिए खाने पे सामान ले सकते हैं। आपका ये हो गया मेन हॉस्पिटल का एंट्री गेट। जैसे जैसे दोस्तों मेरे सामने जो आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा यहाँ क्या होता है। ये आपका RPF आउटपोस्ट चेक, ये सामने आपका मेन गेट में एंट्री हो रही है। ये सामने का मेन हॉस्पिटल का सामने लगा हुआ है साइन बोर्ड। मैं इस तरफ चलता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ आप लोग को यहाँ क्या क्या होता है। रास्ते में जो पढ़ते जाएगा मैं बताते जाऊँगा आपको। इधर भी लगाओ साइन बोर्ड, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की लैंग्वेज की, तमिल। सबको यहाँ पे यहाँ इंग्लिश नहीं आती है कि इंग्लिश में बात कर सकें। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का सेंटर खुला हुआ है, देखिए सामने लगा हुआ बैनर। इस पूरे हॉस्पिटल में खूब ढेर सारे लगे हुए हैं पेड़ पौधे, जहाँ देखिए खाली पेड़ पौधे। मेडिकल डायरेक्टर ऑफिस,
मैं पूरा दिखाऊंगा आपको हॉस्पिटल बाहर से ही, यहाँ पर क्या क्या होता है। अभी दोस्तों सुबह का समय है, देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है। इस सारे ब्लॉक इसी तरफ है, इस रो में। दोस्तों इस सामने बिल्डिंग जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये कार्डियोलॉजी है, हार्ट के रिलेटेड जितने डॉक्टर से मिलना है दिखाना है इसी लिए दिखाया जाता है। कार्डियोलॉजी ओपीडी इससे सामने से घुसेंगे, ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन पर्ची जमा होगा, उसके बाद आपको रूम नंबर बताया गया कौन से डॉक्टर किस रूम में दिखाना आपको है, 6, 7 या 10 में। और साइड में आपका है कैंटीन। ये भी रास्ता उसी में जाता है, हार्ट वाले में डॉक्टर को दिखाने के लिए। ये आपका है रेलवे का गेस्ट रूम, यहाँ पर पैसेंजर आकर रुकते हैं, जिनके पैसा कम है वो आके यहाँ पर रुकते हैं। इसमें शायद एक दिन का इसमें पैसे लगते हैं 20 रुपये रहने के। दोस्तों पूरे बिल्डिंग दिख रही बिल्डिंग ना, इससे मेल वाट है पूरा बिल्डिंग ऊपर का। मेल वाट पूरा है ये, और सामने मेडिकल आईसीयू। दोस्तों इसमें आपका क्या सामने आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयर, दोस्तों इधर कोई खास नहीं है इधर, इसलिए मैं यहाँ से मुड़ जाता हूँ। गाइस आपको मैं इस तरफ ले चलता हूँ, तो आपका ये आप देख रहे सामने, ये नेफ्रोलॉजी ब्लॉक है, किडनी के संबंधित सारे जांच और इलाज इसी में होते हैं नेफ्रोलॉजी में। और आपका ये सर्जिकल वार्ड है ठीक सामने। मैं नहीं जाता उसे, उस तरफ कोई खास नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ। हाँ चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी सामने आ गया ब्लड बैंक।
टोटल ब्लड के रिलेटिव यहाँ काम होता है, ब्लड देना और ब्लड का रिपोर्ट लेना इसके अंदर होता है। आइए मैं दिखाता हूँ। ब्लड देना और ब्लड का रिपोर्ट यहीं से मिलता है, जैसे आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ। सामने आपका देवी जी की मंदिर आ गई, माता रानी का मंदिर आ गया सामने, छोटा सी मेन गेट पर ही है। आपको सामने अंटा सोलो ऑफिस और लेफ्ट में आपका रेडियो ब्लॉक लॉजी ब्लॉक है और सामने आपका मेन पटल। ये मेन गेट